प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा देश भर में सह बेरोजगार दिवसम मनाया गया। इसी कड़ी में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर युवा कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी अरुणा महाजन और राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिमन्यु पूनिया ने केंद्र और राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि देश के युवा बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। पूनिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पर न कोई ठोस घोषणा की गई है, न ही कोई योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल बैसाखियों के सहारे चल रही है और जनता इसका जवाब पहले ही लोकसभा चुनावों में दे चुकी है। पूनिया ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भजन लाल की संज्ञा देते हुए कहा कि राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि बेरोजगारी को लेकर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू जी के निर्देशानुसार पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ रेडी पकोड़े तलकर बेरोजगारी दिवस का हम आयोजन कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी दिवस जो बात सरकार आने के बाद पिछले 11 सालों से कर रहे हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन देश में सबसे ज्यादा युवाओं को ठगने का काम भाजपा सरकार ने किया। और राजस्थान युवा कांग्रेस और देश की युवा कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री से ये जवाब मांगती है कि जो युवा आज दर दर भटक रहा है, बेरोजगारी दर चौगुनी गति से बढ़ रही है, उसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। और आने वाले समय में राजस्थान युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी नरेंद्र मोदी को सड़क पर घेरने का काम करेगा, चाहे संभाग स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो। हम लोग इस सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से ये जवाब चाहते हैं कि कब युवाओं को रोजगार दोगे? जो युवा दर दर भटक रहा है, नौकरी से दूर हो गया है, बेरोजगार हो गया है, कमाई दर कम हो गई है, पढ़ाई की कोई सुनिश्चित व्यवस्था ही नहीं है, उसके लिए आज पूरे राजस्थान में हर जिले पर सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा, पुतला दहन के द्वारा, ये पकौड़े की रेड़ी के द्वारा समस्त राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम कर रहा है। और हम इस जन्मदिवस के रूप में नहीं, बेरोजगार दिवस में, बेरोजगारी दिवस के रूप में ये जन्मदिवस राजस्थान युवा कांग्रेस का हर एक साथी मना रहा है। प्रधानमंत्री